नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है। तो लंबे इंतजार के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन घटक दलों के बीच झारखंड में सीट बंटवारे पर सहमति बनने का दावा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 7 सीटों पर तो जेएमएम 5 सीटों पर जो पेच है वो अभी भी फंसा हुआ है और दोनों पार्टियों में बड़ा भाई बनने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि सीटों पर फंसा पेच आखिर कब खत्म होता है या आपसी खींचातान में गठबंधन के साथी बिखर जाएंगे। तो एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन लगातार जो है आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी अपने जो उम्मीदवार है उनके भी नाम घोषित कर रहा है, तैयारियां पूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज अगर बात की जाए तो बीजेपी सीएसी की बैठक भी हो रही है। साथ ही अगर बात की जाए झारखंड की तो झारखंड के लिहाज से झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीती थी। ऐसे में कांग्रेस 1 सीट जीती थी और जेएमएम को भी 1 सीट हाथ लगी थी। अब अगर बात की जाए चुनाव की तैयारियों की तो अभी तक जेएमएम और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। एक भी सीट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कांग्रेस की तरफ से, ना ही जेएमएम की तरफ से, ना ही सीट बंटवारे पर कोई बयान सामने आया है। अगर जेएमएम की बात की जाए तो जो बड़े नेता है वो पहले ही लोकसभा चुनाव से किनारा कर चुके हैं, ना ही वो कोई बयान दे रहे हैं, ना ही वो आगे आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो सीटों की जो शेयरिंग है उस पर जो पेच फंसा है आखिर वो कब तक सुलझता है, आखिर कब जाकर इंडिया गठबंधन जो है अपनी सीटों का ऐलान करेगा, अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर जेएमएम लड़ेगी, इस चीज का ऐलान कब होगा। साथ ही सवाल ये भी, क्या आपसी खींचातान में गठबंधन बिखर सकता है, क्योंकि ऐसा देखने को भी मिला कि कई सारे जो नेता है वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जैसा हमने बात भी कर रही थी कि जैसा गीता कोड़ा जो कांग्रेस की इकलौती सांसद थी जो 2019 में जीत कर आई थी, उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट भी दे दिया है। अब सवाल यही कि जिस तरह से कई सारे जो नेता है वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, कई सारे जेएमएम के भी बड़े नेता और बड़े चेहरे, जिसमें सबसे बड़ा नाम हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री की जो भाभी है गीता सोरेन, उनका है, उन्होंने भी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने यही कहा कि तो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि आखिर किस तरह से जेएमएम और कांग्रेस के बीच आखिर पेच क्यों फंसा है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी हैं और बाकी जो घटक दल हैं, बाकी अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन उसकी तैयारी कैसे है, इस पर आज चर्चा के लिए, इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से नेता और ऋषिकेश कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दीपक कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं दीपक कुमार जी आपके पास आऊंगी। दीपक जी, जिस तरह से बात आ रही है सामने की जो इंडिया गठबंधन है वो काफी लेट लतीफी दिखा रहा है, अभी तक जो सीट शेयरिंग है उसका फॉर्मूला सामने नहीं आया है, जो पेच है वो अभी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्या माना जाए ये जो देरी कांग्रेस की तरफ से या जो इंडिया गठबंधन की तरफ से देरी सामने आ रही है, इसे क्या अंडर कॉन्फिडेंस माना जाए, अपने आप में विश्वास नहीं है पार्टी को। दीपक जी, रिया जी, सबसे पहले आज शहीद दिवस है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी लाहौर के सेंट्रल जेल में, और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में हम जानते हैं, मनाते हैं। इस देश के इन महान आत्माओं को मेरा नमन आपके चैनल के माध्यम से। और रिया जी, बात यहीं से शुरू करेंगे, इस देश को आजादी को लाने में 200 सालों तक यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, आज 75 साल इस देश के लोकतंत्र को हो गया। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, सत्ता को पाने के लिए पार्टियों की क्या, आज आज कोई भी पार्टी देखिए आइडियोलॉजी पे स्टैंड नहीं है, किसी भी पार्टी की आज के डेट में आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। और जब बात हो रही है अब यहाँ पे महागठबंधन की, देख लीजिए, महागठबंधन
को, जैसे कल भी पैनल में यही बात उठी कि अभी तक महागठबंधन के नेताओं से बात करेंगे तो बोलेंगे हम विपक्ष को पेट में दर्द क्यों रहा, जबकि मैं विपक्ष नहीं हूं ना मैं पक्ष हूं, मैं पत्रकार जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक विपक्ष महागठबंधन अपना सीट क्लियर नहीं करेंगे, अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तो अगले को भी मजा नहीं आ रहा है तैयारी करने में। वन साइडेड सब कुछ चल रहा है। झारखंड के अंदर बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवार क्लियर कर दिए कि कौन कहां से किस लोकसभा सीट से लड़ेंगे, और महागठबंधन के अंदर जो है अभी तक सिर्फ बातचीत चल रही है। आज जैसे आज भी मीटिंग हुई है सीकेसी की, और उसके बाद अभी तक ये बातें छन करके नहीं आई है, पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। ये जरूर क्लियर हुआ है कि इस लोकसभा में जो है झारखंड के अंदर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, वह 7 सीट पे लड़ सकते हैं, जेएमएम 5 सीट पे लड़ेगा, एक पे राजद और एक पे जो है वाम दल है। लेकिन कौन लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर के जो समय काफी निकल चुका है, लेकिन घुमा फिरा के बात उसी चर्चा पे आके रुक जाती है कि घोषणाएं कब होगी। तो कांग्रेस को अब एक एक दिन जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक गर्मजोशी से चुनाव की तैयारी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, झारखंड के अंदर पहले चरण में चुनाव नहीं है, दूसरे चरण में चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घोषणा हो जाती है तो 2 महीना जो रहेगा समय उस पर कदम तैयारी करने तो मिलेगी, और लोकसभा के चुनाव में 2 महीना भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। भाजपा तो पहले से ही ताल ठोक करके मैदान में है जी। कि जो भी आएगा हम उनको देख लेंगे, शाम दाम दंड भेद बहुत सारी चीजें अपना रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना सीट शेयरिंग में ही फंसी हुई है। तो ये जो है महागठबंधन को क्लियर करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत कम समय मिलेगा तैयारी करने के। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ऋषिकेश जी भी जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आखिर कांग्रेस में आखिर परेशानी क्या चल रही है, आखिर क्यों जो है ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पा रहा है? जहां पर फॉर्मूला तय हो जा रहा है तो वहां अभी तक आप लोगों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, पहले फेज के जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, वो तक शुरू हो चुके हैं 20 मार्च से। अब आखिर कांग्रेस में इतनी लेट लतीफी क्यों, देरी क्यों, क्या ये जो देरी है इसकी वजह अंडर कॉन्फिडेंस माना जाए कि आप लोग अभी आश्वस्त ही नहीं है कि आखिर किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, किसको नहीं? ऋषिकेश जी, जी मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया तो सीनियर पत्रकार दीपक जी की पूरी बात को मैं नहीं सुन पाया, पर कुछ बातें मैंने सुनी और आपकी भी सारी बातों को मैंने सुना। आप करें लेट लतीफी, मैं बताता हूँ कि महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस पार्टी की 3 सूची आ चुकी है उम्मीदवारों की, 142 कैंडिडेट। तो नहीं, झारखंड में अभी तक एक भी नाम घोषित नहीं हुआ है। 10 सेकंड में क्यों बेचैन हो जा रही है, बोलने दीजिए पूरा बात। नहीं, मैं बस आपको बता रही हूँ कि अभी तक झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड की डिबेट है, कांग्रेस की सूची आई है, मुझे पता है ये चीज, लेकिन झारखंड के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, झारखंड में अभी किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पहले आपने लेट लतीफी का आप इल्जाम लगाती हैं जब हम बता रहे हैं कि 142 कैंडिडेट हमारा मैदान में आ चुका है। झारखंड बता रहे हैं, क्यों बेचैन हो जा रही हैं? संयम रखिए, धीरज रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो इस तरह से करते हैं समझ आता, वो धीरज रख के मेरी बात सुन रही है और आप बेचैन हो गए। मैं बताता हूँ कि झारखंड देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है टिकट का, पहले नाम शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर जो बचे नाम है उनका स्क्रीनिंग होता है दिल्ली में, और दिल्ली में जब स्क्रीनिंग होता है तो वो नाम सीईसी में जाता है, 3-3 नाम सीईसी में जाते हैं हर सीट के लिए, और सीईसी से टिकट अनाउंस होता है कि किस सीट से कौन से कैंडिडेट लड़ेंगे। 27 तारीख को झारखंड को लेकर के सीईसी की मीटिंग है, और सीईसी की जब मीटिंग 27 तारीख को हो जाएगी तो आपको मैं बताता हूँ कि 27 तारीख के बाद 27 तारीख की देर रात तक या 28 तारीख को झारखंड के जो भी कैंडिडेट होंगे हमारे, वो उनका नाम आपके सामने रख दिया जाएगा। दीपक जी ने कहा कि भाजपा टोटल कैंडिडेट उतार दिया, दीपक जी टोटल नहीं, 11 कैंडिडेट भाजपा ने उतारे हैं, और आपको पता है कि जब सिटिंग एमपी जिनके होते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, सिटिंग एमपी में 20% छोड़ के बाकी को रिपीट किया जाता है क्योंकि वो सिटिंग है, और जब हारा हुआ पार्टी रहता है तो उसको देखना पड़ता है कि पिछली बार जिसको दिए थे वो उसको इस बार देंगे तो जीत पाएगा कि नहीं, अगर उसके अलावा किसी और को देना है तो सारी चीज विचार होती है, और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, नाम 27 तारीख को सीईसी में क्लियर हो जाएगा, और 27 तारीख के बाद किसी भी समय
झारखंड का जो कैंडिडेट होगा कांग्रेस का उसका नाम अनाउंस कर दिया जाए। ठीक है ऋषिकेश जी, साथ ही सवाल ये भी कि जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान भी आया था, हमने देखा था कि कांग्रेस डूबती नैया है, कांग्रेस में जो जाएगा वो डूब जाएगा, उसका भविष्य नहीं है, यही वजह है कि कांग्रेस से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी ये बता दे साथ साथ कि कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी है, भाजपा के जो सिटिंग एमपी है, भाजपा के जो सिटिंग एमएलए हैं, आपकी एक सिटिंग एमपी थी तो गीता कोड़ा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गई। गीता कोड़ा जी सिटिंग एमपी थी, चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो सिटिंग एमपी हमारे पार्टी में आए हैं, एक हरियाणा से आए, एक राजस्थान से आए हैं। अभी अभी झारखंड में एक सिटिंग एमएलए जो पार्टी के मुख्य सचेतक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं। तो ये दिखाता कि एक तरफ ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखा कर ले जाते हैं, और हमारी पार्टी में जो आता है वो विचारधारा को चुन करके आता है। हमारे पास क्या है, हम तो किसी को डरा नहीं रहे, हम तो विचारधारा की बात कर रहे हैं। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, उससे दबाव बना करके वो ले जाते हैं अपने पार्टी में, और अपने पार्टी में जब ले जाते हैं, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूं, पद से सुशोभित करते हैं। ठीक है ऋषिकेश जी, मैं जवाब ले लेती हूं, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। एक लाइन और तब सर बोल लेंगे, एक लाइन और। जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का जिस पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो उनको सीएम बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, सांसद का टिकट देते हैं, और आदर्श घोटाला के जो आरोपी थे भाजपा के अनुसार अशोक चौहान जी, उनको 24 घंटा में राज्यसभा का टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी का। ये नैतिकता दोनों खत्म हो चुकी है। ईडी सीबीआई से दबाव बनाओ, भाजपा में लाओ, उनको पद दो, और भाजपा के जो मेहनती कार्यकर्ता है बेचारा दरी बिछाने का काम अजीब कर रहे हैं। ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से नेता है। प्रदीप जी, साफ तौर पर ऋषिकेश जी यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर हमारे नेताओं को अपने पाले में कर रही है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जब कोई नेता किसी अन्य दल में होता है, उस पर चाहे आप ना जाए कितने जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा ले, लेकिन जब वो आपके पाले में आ जाते हैं तो उनके सारे आरोप भी धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन की तरह, और आप उन्हें बड़े बड़े पद भी देते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए चलिए, एक बात तो उन्होंने माना कि अशोक चौहान आरोपी थे, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर वो आरोपी थे, उन पर गंभीर आरोप थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या भ्रष्टाचारियों का अड्डा है कांग्रेस पार्टी? क्या चिदंबरम जिस तरह से गमले में सब्जी उगाया करते थे, आज उनकी सब्जी उगने बंद हो गए? क्यों, तकनीक खो गई क्या उनकी? कार्ति चिदंबरम ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किए, जेल जाना पड़ा दोनों बाप बेटों को। उसके अलावा देखें, उनके गठबंधन में जो लोग थे आज निश्चित रूप से परेशान है और एक दूसरे के बचाव करने की मुद्रा में है। कल तक कांग्रेस पार्टी यह दावा करती थी, उनके जो मीडिया प्रमुख हैं पवन खेड़ा जी, कि हमने हमारे कंप्लेन से केजरीवाल के खिलाफ लीकर स्कैम में केस चालू हुई है। आज कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में खड़ी है। तो गजब संयोग है कि ये लोग एक दूसरे को पीठ थपथपाने से भी बाज नहीं आते, और आप इनसे बातें कीजिएगा झारखंड के संदर्भ में, चूंकि यह डिबेट झारखंड का है, लेकिन पूरी भारत की यात्रा आपको कराकर ले आएंगे, जवाब यहां का नहीं देंगे। अब आपको मैं बताता हूं झारखंड में क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से आरजेडी दबाव बना रही है, उन्होंने तो अपनी ओर से स्वतः ही, जो राज्य में मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने स्वयं को प्रत्याशी घोषित कर दिया एक सीट से। लालू यादव से जाकर मिले, कहा कि दो सीटों पर लड़ना है, पलामू और चतरा में। लालू यादव ने कहा कि जाकर तैयारी कीजिए, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है दो सीटों पर लड़ने से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सीट शेयरिंग हो रही है और कैसी सहमति बनी है। जो आप बता रहे थे कि 7-5-1-1 का फॉर्मूला तय हुआ है जी, उस फॉर्मूला को तो ये मानने को तैयार नहीं है। और जो गठबंधन के सहयोगी हैं, अगर इस तरह से वो खुलेआम धज्जियां उगाए, तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है उसका विद्रूप चेहरा सामने आ चुका है। क्योंकि बंगाल में देखे, ममता बनर्जी ने अपनी ओर से 40 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिया, कांग्रेस के लिए एक सीट नहीं छोड़ी। अब आप चले जाइए केरल, सुदूर केरल में, जहां वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, और डी राजा ने खुलेआम कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह तय करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर उनको लगना है तो राहुल गांधी के लिए कोई दूसरी सीट देखें। आप समझिए कि किस तरह से इन पर दबाव बनाया जा रहा है। अब तो कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है कोई राष्ट्रीय दल है, लेकिन कमोबेश स्थिति यही है कि ये पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या किया सपा ने, अपनी ओर से कैंडिडेट घोषित कर दी और कह दिया कि इतनी सीटें लेनी है तो ले लीजिए, दबाव में मजबूरी में इनको समझौता करना पड़ा। ठीक है मैं ऋषिकेश जी से जवाब ले लेती हूँ। ऋषिकेश जी, साफ तौर पर यही कह रहे हैं प्रदीप जी कि जिस तरह से कांग्रेस एक वक्त पर
भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज उसकी भूमिका काफी कम रह गई है। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, इंडिया गठबंधन को एक तरह से देखा जाए तो लात मार दी। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी भले दिल्ली में आप लोगों के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन पंजाब में बोला कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि कांग्रेस एक भी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं कर पाई है, वही स्थिति झारखंड में भी है। हालांकि आप अब कह रहे हैं कि घोषणा जल्दी होगी, लेकिन सवाल प्रदीप जी यही उठा रहे हैं कि आज कांग्रेस की भूमिका काफी कम गई है, जवाब दीजिए। प्रदीप जी ने एक अपनी बात मेरी जुबान में डालने की कोशिश की कि हम आरोपी मानते थे अशोक चौहान को। नहीं प्रदीप जी, भाजपा के सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी आरोपी बताते थे और बताते थे कि नहीं, मैं बोल लेता हूं सर, इसके बाद सर मैं बोल लेता हूं। प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट देते थे कि ये आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ जिसमें अशोक चौहान मुख्य आरोपी थे, और उन्हीं अशोक चौहान को आपने 24 घंटा में राज्यसभा भेजने का काम किया। हम लोगों ने आरोप अशोक चौहान को नहीं लगाया, हम लोग उनका डिफेंड करते थे। आरोप आपने लगाया, पार्टी में आप ले गए, राज्यसभा आपने भेजा। दूसरी बात बोले कि पिछलग्गू पार्टी हो गई है कांग्रेस, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में जो छोटा दल बन के आप अलायंस किए हैं, तो क्या आप आंध्र प्रदेश में पिछलग्गू पार्टी है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और आंध्र प्रदेश में आप पिछलग्गू हैं? आपको सीटें कम मिली तो आप पिछलग्गू अपने आप को मानते हैं ना? तीसरी बात इन्होंने कही कि वायनाड से लेफ्ट ने कैंडिडेट उतारा। अरे पूरा केरला में कांग्रेस भारत से लेफ्ट ही है, तो कैंडिडेट उतारना स्वाभाविक है। आप हैं कहाँ केरला में? आप तो जीरो हैं, आप रहते तो हम लोग अलायंस करते। लड़ाई ही लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में, तो कैंडिडेट किसके बीच में उतरेगी? अब जहां तक आम आदमी पार्टी से आप बात करिए पंजाब की, पंजाब में भी कमोबेश यही स्थिति है कि पंजाब में भाजपा तो है ही नहीं, जीरो पर चली गई है। वहां लड़ाई ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और हमारे वहां सीटिंग एमपी है लगभग 9, ये चली गई अभी भाजपा में 9 एमपी है। तो हम अपने सीट को छोड़ दें, जब लड़ाई ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है तो स्वाभाविक है कि दोनों ही पार्टी लड़ेंगे। जहां तक झारखंड का बात है, मैं बताता हूँ कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हार से इतनी बौखलाई हुई है कि ईडी का दुरुपयोग करके यहाँ के एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया इन्होंने, और जेल डाला, इसके बाद क्या किया? घर तोड़ने का काम किया। उन्हीं परिवार की एक आदिवासी महिला सीता सोरेन जी, जो एमएलए थी जामा से, सीबीआई का उन पर आरोप था, केस चल रहा था, हाईकोर्ट से वो केस को रिजेक्ट किया जाता है और उसके जस्ट बाद वो भाजपा में चली जाती है। कनेक्शन क्या कहता है कि जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया तो उन पर दबाव डाल दिया गया कि अब तुमको जेल जाना है कि भाजपा में जाना है। वो बेचारी डर करके भाजपा में चली गई। अगर उनके लिए इतनी चिंतित है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी आज अनाउंस कर दे कि सीता सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सीता सोरेन जी उनके मुख्यमंत्री की प्रत्याशी होगी, तब जाके माना जाएगा कि सही में चिंतित है सीता सोरेन जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। जवाब दीजिए प्रदीप जी, जवाब जी। देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत में इनकी उपस्थिति इतनी मजबूत है कि क्या कहने, जिस पार्टी को लगातार 2 टर्म से अपना नेता प्रतिपक्ष चुनने की संख्या तक नहीं मिल पा रही है। झारखंड में 1 सीट, गुजरात में 0, उसके अलावे उत्तर प्रदेश में 0, उसके अलावे मध्य प्रदेश में 0, छत्तीसगढ़ में 1 सीट। तो इस तरह की जो उपस्थिति है इनकी, ठीक है हम साउथ इंडिया में कमजोर है वहां, तो हमने अलायंस की है छोटे छोटे दलों के साथ। और जहां तक केरल का प्रश्न है, केरल में तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि कभी एलडीएफ की सरकार बनती है तो उसके साथ, कभी यूडीएफ की सरकार बनी तो उसके साथ, तो ये बिल्कुल पेंडुलम की वाली स्थिति में है वहां केरल में, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। लेकिन कौन किसका एजेंडा क्या है ये स्पष्ट हो जाता है जब डी राजा ये कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी के लिए कोई दूसरी सीट ढूंढ लीजिए, क्या जरूरी है कि वायनाड आकर लड़े, क्योंकि उनकी पत्नी स्वयं वहां से चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के अलायंस है ये। लाख आप ढोल पीटते रहे कि इंडिया अलायंस, लेकिन इंडिया अलायंस का तो हवा निकल चुका है पहले ही, चूंकि उसके ठीक है। ऋषिकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। ऋषिकेश जी बोलिए। प्रदीप जी ने कहा कि कांग्रेस का अब कहीं अस्तित्व नहीं है। प्रदीप जी आपको जानकारी होना चाहिए कि आप कमोबेश 10 राज्यों में बहुत अधिक सीटें जीते हैं, लगभग 90% से ज्यादा सीट जीते हैं, लेकिन 2019 के इलेक्शन में देश के 11 राज्यों में आपका खाता नहीं खुला है। आपको पता है चीज का 11 राज्य देश के आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और भारत के 11 राज्य में आपका खाता नहीं खुला 2019 का चुनाव में।
जहां तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस का अब कहीं पर सीट नहीं है, ये तो दशकों तक जिनके पास सीट नहीं था, दो सीट था इनके पास, दो से यहाँ पहुंच गया है। मेरे पास तो आज भी 52 सीट है प्रदीप जी, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, वित्तीय अर्थव्यवस्था पर, सब जगह आप जो फेल कर गए, आपका चलता रहेगा। नहीं, आप जो है लगता आपके समय तो महंगाई ही नहीं ना, बेरोजगारी सर आपके आप में तो हम एक बार भी नहीं टोके। नहीं नहीं आप जब हम महंगाई करने लग रहे हैं मुझे बोलना पड़ेगा आप, चूंकि गलत बयान नहीं कर, मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा कि वो 11 राज्यों के नाम बताइए जहां आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बताइए, मैं बताता हूं, बहुत अच्छा 11 राज्य बताइए आप, आपको चुनौती देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हाँ, तमिलनाडु 11 राज्य कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, मिजोरम, मेघालय, पुडुचेरी, तेलंगाना में हमारी 4 सीटें, तेलंगाना में हमारी 4 सीटें आपकी, आंध्र प्रदेश में हमारी 3 सीटें, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, चुनाव लोकसभा के, आप विधानसभा का सीट गिनवा रहे हैं, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं नहीं, हम लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का काउंटिंग करा रहे हैं, विधानसभा का सीट गिनवा रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं लोकसभा का बता रहा हूँ आपको, तेलंगाना में हमारी 4 सीटें हैं, गलत तेलंगाना मैंने नाम बता रहे हैं, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, पुडुचेरी, मेघालय, सिक्किम, कहाँ आपकी सीटें? 11 राज्य में आपकी सीट नहीं है। बाकी राज्यों में कौन से 11 राज्य? बाकी राज्यों में गिनवाइए, उंगली में गिनवाइए, आप 11 राज्य, आपका राज्य में गिनवा देता हूँ, आप ही गिनवाइए ना 11 राज्य, आप कहाँ सुनने पर है ये भी गिनवाइए, आप कहाँ कहाँ सुनने पर है ये भी गिनवाइए। सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं आप, बौखला कर सब सुन करते एक सफाई और सुन लीजिए, एक सफाई और सुन लीजिए, वो आके इस तरह से गलत बयान कर रहे हैं, बौखलाहट आपका दिख रहा है जनता को, निश्चित रूप से चुका पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपका स्थिति ट्रेडियो पर दौड़ने जैसा है, वर्तमान में आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए भागने वाले नहीं है, ट्रेडमिल पर जैसे लोग दौड़ता है ना, लेकिन कितना भी तेज दौड़ा पहुंचा कहीं नहीं, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इनका सच्चाई बताने लगे तो देखिए टिकट करने लगे, बौखलाने लगे, ये इनके सच्चाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। नहीं लेकिन ऋषिकेश जी, 303 सीटें तो है ना उनके पास, सदस्य है 303 सीटें तो है ना उनके पास, उसमें इनकार कहाँ कर रहे हैं हम, लेकिन एक कथा ये भी तो है कि विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, उनका देश का 19 का चुनाव में 11 राज्यों में एक भी लोकसभा सीट नहीं है। बताइए आप, अभी तक 11 राज्यों का नाम नहीं बता सके आप, 11 राज्यों का नाम नहीं बता सके आप, तमिलनाडु कितना बार गया, तमिलनाडु, अरे नहीं 11 राज्यों का नाम पूछ रहे, बता दीजिए ना, बता देते हैं मैडम, इनको बता देते हैं। अरे पहले इनसे ये पूछ लीजिए कि कहाँ कहाँ इनके अंडे आए हैं, ये तो पूछ लीजिए, बता दीजिए आप, आपके अंडे कहाँ कहाँ आए, बताने लगे तो आप मेरा बता रहे हैं, ये बता दीजिए आप, लगातार 2 बार से 14 के चुनाव में 19 के चुनाव में आपको कितनी सीटें आई, शर्माती है आपको, डिजिटल इंडिया का जमाना है, कितने राज्य में आपका कितना सीट नहीं आया है, थोड़ा शर्म कीजिए कि गुजरात में लगातार 2 टर्म से 14 में भी जनता इंतजार कर रही है, छत्तीसगढ़ में आपकी एक सीट आई, एक बार बहुत जाइए आप सरकार से बाहर जा रहे हैं, और झारखंड में हो, दिल्ली में जैसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल रहे हैं, जनता देख रही है और जनता आपको हराने का काम करेगी, दिल्ली में सुनिए, झारखंड में सभी बड़े नेता बैठे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और न जाने कौन कौन से नाम, बड़े नाम, दिल्ली में सुनिए। अरे बताओ भैया, सुनिए सुनिए कहाँ कहाँ आया वो भी तो बता दो। मैं तो वो मान रहा हूँ, लेकिन ये आप क्यों नहीं मान रहे कि 11 राज्य में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भी लोकसभा में, 11 राज्यों का नाम नहीं बता सके अभी तक मैंने, गूगल कर लीजिए ना, डिजिटल इंडिया बनाया था ना, मुझे गूगल नहीं करना, गूगल पर जो पार्टी चलती है वो गूगल करके देखे, मैं जो गूगल पर चलने वाली पार्टी नहीं है, गलती बता दीजिए, गूगल पर कांग्रेस पार्टी एनडीए पर चलती है, उनके सलाह पर क्लिप देते हैं, वही राहुल गांधी आपके पास बोलते हैं, आप अपना काम अपना कीजिए अपने ढंग से। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है ऋषिकेश जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी दीपक कुमार जी से, दीपक जी एक फाइनल कमेंट, झारखंड में जो है सियासी खेल चल रहा है, किसका पड़ला कितना भारी, किसको किस चीज से फायदा, दीपक जी एक फाइनल कमेंट। रिया जी देखिए, पार्टी पुरानी हो या नहीं हो वो अलग चीज है, पार्टी जितनी पुरानी है अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आजादी में जो भी बड़े महान हस्ती है हमारे देश में रहे वो कांग्रेस से जुड़े रहे, तो कांग्रेस के इतिहास को हम भुला नहीं सकते। वर्तमान में कांग्रेस और कुछ टर्बों में कांग्रेस के अंदर जो भी आरोप बीजेपी लगा रही है, बीजेपी सत्ता में है कार्रवाई करे,
लेकिन कांग्रेस को हम डायरेक्ट नहीं नकार सकते, क्योंकि कांग्रेस एक कांग्रेस के इतिहास को नकारने का मतलब है देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नकार देना। दूसरी बात है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बीजेपी नई पार्टी है, युवाओं की पार्टी है और काफी अभी सत्ता में है। बीजेपी भी अपना काम करे, जनता बीजेपी को पसंद अभी कर रही है, बीजेपी चल रही है, ठीक है। दोनों पार्टियों की जरूरत है लोकतंत्र में, रिया जी थोड़ी सी लोकतंत्र में जरूरत है, और दोनों पार्टियों को इस देश को चलाना है, और लेकिन दोनों पार्टियों के पास बेहतर आइडियोलॉजी हो, बेहतर मैनिफेस्टो वो तैयार करे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बाद सब नीचे हो जाएंगे, जनता सब देख रही है। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय निकालने के लिए। तो झारखंड की बात की जाए जहां एनडीए काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, बीजेपी 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। देखना यह होगा कि आखिर कब जाके इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, कब ये प्रत्याशियों का ऐलान करते हैं और आखिर जनता किसको आशीर्वाद देती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।